नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम आज बात करेंगे RRB ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, और NTPC, और साथ में ही JEE का। अब आप बात करेंगे कि तीनों का बात कैसे करेंगे, तो हम तीनों का इसमें किस कौन सा पोर्शन का बात करेंगे, साइंस पोर्शन। इसमें जो साइंस है, साइंस के बारे में बात करेंगे कि साइंस कैसे, जो 30 मार्क्स का पेपर में 30 मार्क्स साइंस दिया हुआ है, वो हम कैसे गेन कर पाएंगे। ठीक, उसके लिए गेन करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या सोर्स फॉलो करना होगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हाँ बस रेगुलरली थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आराम से साइंस अगर डेली के डेली 2 घंटा भी ध्यान दे दें, तो 1 मंथ में साइंस आप आराम से कर सकते हैं, और 30 नंबर में यकीन मानिए आराम से 25 नंबर आप लेके आएंगे, क्योंकि इसमें 10th स्टैंडर्ड का साइंस पूछा जाता है। 10th स्टैंडर्ड, ठीक, CBSE का। कुछ 9th का भी पूछे जाते हैं, मतलब अगर NCERT आप 6, 7, 8, 9, 10 किए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं किए हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसके बारे में हम आज देखते हैं डिटेल में, आखिर क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए मुझे। RRB JEE ALP, देखिए साइंस में इसमें क्या क्या है। साइंस में इसमें एक तो हो गया फिजिक्स, दूसरा हो जाएगा आपका केमिस्ट्री, और थर्ड जो हो जाएगा बायोलॉजी। ठीक, तो इसमें से फिजिक्स, जिसमें अगर 30 क्वेश्चन है एग्जाम में, तो 30 क्वेश्चन में से आराम से आपको 8 to 10 क्वेश्चन मिलने वाले फिजिक्स से, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन। और ये आराम से 8 से 10 क्वेश्चन में, अगर 8 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आराम से निकालेंगे, 10 क्वेश्चन में आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सेकेंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, जैसे एसिड बेस हो गया, ये सब चीज़ मेन मेन चीज़ें पूछा जाता है। ठीक, रासायनिक नाम हो गया, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एसिड बेस, पीएच मान क्या है, क्योंकि ALP के जो स्टेज 1 है उसमें बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता। अब अगर पेपर देखें, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, जो ऑनलाइन हुआ है लास्ट 2018-19 में, उसको आप देखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, केमिस्ट्री में भी लगभग वही 5 से 7 क्वेश्चन एक रेंज लेके चलिए, 5 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी होता है, और उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी में लगभग लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 8 to 10 क्वेश्चन रहते हैं। अब ये है कि आप बोलिएगा 30 क्वेश्चन में, तो ये पूरा 30 हुआ नहीं, तो इसमें से केमिस्ट्री फिजिक्स से थोड़ा बढ़ जाता है, बायोलॉजी से थोड़ा बढ़ जाता है, कभी कभी इससे थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाता है, मतलब इसी के अराउंड में घूमते रहता है। और फिजिक्स में अगर बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, फिजिक्स में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आगे टॉपिक में अगर आप लेंगे, सबसे फर्स्ट जो है यूनिट, ठीक, उसके बाद फिर आप ले लें मोशन, गति, इसके बाद लाइट, ठीक, हीट, लास्ट बार में लाइट यानी प्रकाश से ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें 2 क्वेश्चन ना पूछा गया हो, एक दो क्वेश्चन हमने हर एक पेपर में था, हीट हो गया, उसके बाद फिर और भी सब इम्पोर्टेंट, लेकिन ये सब जो टॉपिक है, अच्छा इसमें अभी जैसे यूनिट तो हो गया, उसके बाद फिजिक्स में हो क्या, इन्वेंशन, किसका आविष्कार किसने किया, कभी कभी पूछ लेता था कब किया, किसी पेपर में पूछ लेता था कहाँ के वैज्ञानिक थे आने वाले, तो इतना डीप में नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, लेकिन मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेंशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस लिए काम में आता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर किसके लिए है, ठीक, डायनेमो किसके लिए है, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रिक सेल किसके लिए है, बैटरी सेल किस चीज़ के लिए काम में आता है, क्या करता है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए ये फिजिक्स में। फिजिक्स के बाद अगर केमिस्ट्री में बात करें, तो केमिस्ट्री में भी ज़्यादा नहीं, मेन मेन टॉपिक में बता रहा हूँ, बाकी पढ़ने के लिए बहुत सी है।
केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले एसिड बेस हो गया, उसके बाद फिर आप इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन, किसने बनाया, क्या बनाया, किसके जनक हैं, किसने ट्रायड दिया, ये सभी चीज़ें केमिस्ट्री में, और केमिकल नेम, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक अभी आगे देखेंगे उसको। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, कुछ जैसे मेन टिप ऑफ अगर टॉपिक का बात करें बायोलॉजी में, बायो साइंस में, अब जैसे इसमें क्या है कि प्लांट किंगडम में आ जाता था कुछ, और दूसरे बात फिर एनिमल। तो बायोलॉजी में अगर आप मेनली देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, उसके बाद फिर अगर आप बात करेंगे तो रिस्पायरेटरी, स्केलेटन, न्यूर, नर्वस सिस्टम, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो डिजीज, डिजीज हो गया, कौन कौन से बीमारी है, न्यूट्रिशन हो गया, और इसके बाद डिजीज हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, कौन सी बीमारी किसके कारण होता है, कौन सा मलेरिया, जैसे मलेरिया है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक, डेंगू वायरस से होता है, कौन सा वायरस है जिम्मेदार, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं, आराम से इसमें से एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और उसके बाद फिर अगर बायोलॉजी में अगर बात किया जाए इसमें, अगर और आप अगर बात करें तो, हो गया अनुवांशिकी यानी जेनेटिक, ये हो गया, उसके बाद सेल्स, सेल बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल हो गया, ये सब चीज़ टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो ये तो हुआ कि हाँ हमको मतलब मेन मेन टॉपिक किस पे ध्यान रखना है, पहले इन सभी टॉपिक को ध्यान देना है, लगभग लगभग अगर आप लिस्ट बनाएं तो लगभग 20 टॉपिक ऐसे होंगे जिससे ही घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 20 टॉपिक से आपका 75% क्वेश्चन कवर होता है, बाकी 25% के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब 75% के लिए आप मात्र मात्र अगर यही 2 आवर 30 डेज लगाते हैं, यानी कि 60 आवर, 60 आवर मतलब वो नहीं कि हाँ बैठ के टाइम पास कर रहे, मोबाइल चला रहे, पढ़ाई हो गया, 60 आवर अगर आप कंसेंट्रेशन के साथ ध्यान से पढ़ रहे हैं तो 60 आवर काफ़ी है, ठीक। अब इसमें हुआ 20 टॉपिक, अच्छा इसमें बात क्या है, जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, अब SSC प्रीवियस ईयर जो बुक है इसमें साइंस पोर्शन को सबसे पहले कवर करें, उसके बाद स्पीडी, स्पीडी का भी साइंस आता है, इसको भी कवर कर सकते हैं, इसमें से मेन मेन टॉपिक को उठाना पड़ेगा, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे में है उसको कवर कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम मिले तो घटना चक्र, अच्छा ये जो SSC का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये भी घटना चक्र लीजिए, घटना चक्र में अच्छा दिया हुआ है, बाकी यूथ का भी है आपका, लेकिन घटना चक्र में थोड़ा सा अच्छा से समझाया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, ठीक, जनरल साइंस, स्पेसिफिकली जनरल साइंस के नाम पे आता है, तो उसका जो साइंस का पोर्शन है सब बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखें, लेकिन मेन मेन टॉपिक इसमें आप कवर कर सकते हैं, तो मेन मेन टॉपिक में जैसे कि मैं बताया ऊपर, तो उन उन टॉपिक को इसमें कमांड आप बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, इर्द गिर्द घूम के आते हैं, थोड़ा सा किसी का लैंग्वेज चेंज करता है, तो किसी का उसका ऑप्शन को क्वेश्चन बना देता है, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देता है, इसी तरह से अपना क्वेश्चन बनाने का जो पैटर्न है चलता रहता है इन लोगों का। तो साइंस प्रीवियस ईयर सबसे पहले तो SSC का कंप्लीट किया, उसके बाद फिर SPD का देखेंगे, क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे लगाते चले जाएंगे, या तो पहले SPD पढ़ लीजिए, कुछ थोड़ा थ्योरी बेस भी दिया हुआ है। अच्छा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप लूसेंट ठीक से कर लेते हैं, कौन सा लूसेंट, वो बड़ा वाला नहीं, यही जनरल नॉलेज वाला लूसेंट, जीके वाला जो लूसेंट है, इसका साइंस का पोर्शन, साइंस का पोर्शन का भी अगर आप ठीक से कर लेते हैं
ठीक ठीक से मतलब क्या है कि मेन मेन जो टॉपिक है उसमें इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ, आराम से कर सकते हैं, 5 बार 6 बार रिवीजन कर सकते हैं 30 दिन। ठीक, हाँ ये थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 2 घंटा के हिसाब से कुछ लोग कर सकते हैं कुछ लोग नहीं कर सकते, तो अपने हिसाब से देख लीजिए, तो भी आपको सफिशियंट साइंस के लिए। ठीक है, अब बाकी जैसा लगे बताइएगा, अगर आप लोग को हेल्प बोलेंगे तो कुछ क्वेश्चन मैं भी करवा दिया करूँगा, SSC वाला जो भी आया है प्रीवियस ईयर। और बाकी अभी पूर्वावलोकन जो भी घटना चक्र है इसको तो मैं अपलोड कर रहा हूँ डेली के बेस पे, 25 क्वेश्चन, और मेन मेन क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, वही क्वेश्चन है जो जो क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहती है एग्जाम में ज़्यादा, और कुछ क्वेश्चन जो है आया हुआ है, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया एक टाइम पे, वो अब नहीं आ रहा है, तो सब क्वेश्चन को इग्नोर ही करके चलिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू।